ये दुकानें भी स्टार्ट हो गई यहाँ से। सामने आप ये अम्ब्रेला देख सकते हैं, काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देखिए एक दुकान आइसक्रीम की जा रही है, और ये देखिए बच्चों के खिलौने आपको ये भी मिल जाएगा यहाँ पर। और ये जो ई रिक्शा वाले यहाँ इंजॉय करने को मिल जाएगा। और यहाँ आगे का व्यू कैसा है क्या, ये देखिए मिट्टी के बर्तन जो कि हमारे बचपने में हमारी जान हुआ करती थी। ऊपर है सामने मिट्टी माउस लगा हुआ है, देखो बच्चा मजा ले रहे हैं। यहाँ पर करते हैं अंदर, इस वजह से गाइस अंदर जाने के साथ लेके भी कर सकते हैं। तो अंदर की तरफ चल रहे हैं और दिखाते हैं अंदर का व्यू। मोहतरमा भर रही है खीर है, तो इसी तरीके से भरे जाते हैं यहाँ। और ये देखिए ये रखे हुए हैं यहाँ पर, पाता हो रही है। ये देखिए काफ़ी यहाँ क्लाउड है आप देख सकते हैं, और गर्मी भी बेशुमार की है। आप एक बार और देख लीजिए करबला को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं करबला। चेलुम के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, तो हमारे फर्रुखाबाद में भी बहुत ही जोर शोर से चेलुम मनाए जाते हैं। तो मैं एक ब्लॉगर हूं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को दिखाने का कि फर्रुखाबाद में चेलुम कैसे होते हैं, क्या होता है वहाँ पर, कैसे फाता होती है, और कितने लोग आते हैं, क्या होता है। तो वही मैं आपको इस ब्लॉग में सब दिखाने वाला हूँ। तो ब्लॉग पर प्लीज़ बने रहिए, इसके बिल्कुल मत करिए, लास्ट तक बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट नाउ। तो गाइस अब हम जो है मेले के जस्ट पास में ही हैं, करबला पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए सारी की सारी दुकानें भी जा रही हैं वहाँ। तो और जो रश हैगा वो देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा मेले में जो है भीड़ होने वाली है। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें, इसके बिल्कुल मत करें। तो आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं, देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है कि मेले में कितना ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो अभी हम मेले की तरफ चल रहे हैं, और काफ़ी देखिए दुकानें भी स्टार्ट हो गई यहाँ से। सामने आप ये अम्ब्रेला देख सकते हैं, यहाँ पर गन्ने का रस मिल जाएगा आपको। और बच्चे के ये देखिए बच्चों के लिए खिलौने कितने सारे, कभी हम भी बच्चे हुआ करते थे तो हम भी इन खिलौनों से खेला करते थे, तो ये चीज़ है। और ये देखिए काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देखिए एक दुकान आइसक्रीम की जा रही है, और ये देखिए बच्चों के खिलौने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, तो ये चीज़ है। और ये देखिए बर्तन भी बिक रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ये भी मिल जाएगा यहाँ पर। और ये जो ई रिक्शा वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, बहुत ज़्यादा जाम लगाते हैं ये लोग, तो ये जाम के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये देखिए पताशी की ठेली, कुछ लोग ढूंढ रहे थे लेकिन उनको वहाँ मिली नहीं। और ये देखिए सेव फुल्की, तो ये चीज़ भी है यहाँ पर। और ये आपको नींबू पानी भी यहाँ इंजॉय करने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बाइक खड़ी हुई है, यहाँ पर हम लगाते हैं अपनी बाइक और फिर उतरते हैं बाइक से और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू कैसा है क्या। ये देखिए मिट्टी के बर्तन जो कि हमारे बचपने में हमारी जान हुआ करती थी। तो चलिए फिर चलते हैं, पहले बाइक को स्टैंड करते हैं फिर उसके बाद में दिखाते हैं आपको कैसा है क्या यहाँ का व्यू। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ट्रैफिक जाम हो गया। अभी करबला यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, सामने मिट्टी माउस लगा हुआ है, और यहाँ पर ये सब सारे के सारे जो है बच्चों के खिलौने वगैरह बिक रहे हैं। तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए बचपने में चैन लिया करते थे, ये चैन है, और वो देखिए सामने सेव बिक रहे हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। ये देखिए करबला दिख रही है, तो चलिए फिर चलते हैं आगे। और ये देखिए जंपिंग वाले झूले को बच्चा कितने मज़ा ले रहे हैं, और काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर। आगे ट्रैफिक से निकलते हैं और दिखाते हैं आपको। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। तो गाइस अब हम अंदर की तरफ आ चुके हैं मेन गेट से, आप देख सकते हैं क्लाउड कितना ज़्यादा रश हो रहा है यहाँ, बहुत भीड़ है यहाँ तो अंदर, और गर्मी भी काफ़ी हो रही है। और ये देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। और एक चीज़ यहाँ कमेटी ने बहुत अच्छा किया, और पानी के लिए वाटर कूलर रखे हैं कितने सारे आप देख सकते हैं ये देखिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की, पानी के लिए आपको ठंडा पानी मिल जाएगा पीने के लिए। और यहाँ जो है रमज़ान के 21वें रमज़ान को रोज़ा इफ्तार भी होता है, मैं आता हूँ
और इस बार इंशाल्लाह मैं आपको 21वें रमज़ान का जो इफ्तार होता है यहाँ के लोग जो कराते हैं वो भी मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए करबला है, इसके अंदर जो एक ताज़िया रखा हुआ है, ये इसकी मीनार और गुम्बद है, इस तरीके से है ये हमारी करबला, आप देख सकते हैं फरुखाबाद की। और देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, बच्चे भी हैं और काफ़ी सारे ज़ायरीन हज़रात भी हैं। तो अभी हम इस तरफ को चलते हैं आपको लेकर के, और पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए कितनी सारी भीड़ है। ये मेन गेट है जहाँ से हम अंदर इंटर हुए थे, और अभी हम इस तरफ को चलते हैं आपको दिखाते हैं। और ये देखिए कितने सारे लोग आएंगे, जो कि कुछ बट रहा है वो खा पी रहे हैं, और पानी का इंतज़ाम तो बहुत अच्छा है ही यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली पानी के लिए। तो फिर चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू कैसा है क्या है, ये देखिए। तो गाइस फाइनली अब हम चल रहे हैं जो मेन करबला है, जहाँ के ताजिए दफनाए जाते हैं उसकी तरफ चल रहे हैं, और यहाँ से निकलते हैं। और गर्मी भी बहुत है और रश तो आप देख ही सकते हैं कितना है, भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। तो चलते हैं जिधर ताजिए दफनाए जाते हैं उधर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है क्या है। भाई ये देखिए कितना बड़ा सा गेट है, ये सेकेंड वाली है जहाँ पहले गए थे, ये चीज़ भी है, और जो दूसरी वाली है वो इधर की तरफ है। गाइस तो आप देख सकते हैं सामने जो झंडा नज़र आ रहा है, और करबला की गुम्बद भी दिख रही है यहाँ से, तो ये चीज़ है। और यहाँ का सबसे फेमस ये देखिए करबला का सेव फुल्की, जो कि आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अंदर करबला की जो मेन करबला है जहाँ के ताजिए दफनाए जाते हैं, अब उसकी तरफ आपको ले कर चलते हैं। ये देखिए सेव फुल्की दिख रही है यहाँ पर, ये चीज़ भी आपको यहाँ काफ़ी देखने, और श्रीनी भी है दिख रही है यहाँ पर मेन गेट के पास आपको देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं मेन गेट की तरफ, तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और ये देखिए हमारे कैब भाई आ रहे हैं, और चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। और ये देखिए एक खूबसूरत सा फोटो करबला का आप देख सकते हैं, ये काफ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन अब अलाउ नहीं करते हैं अंदर इस वजह से। गाइस अंदर जाने के लिए पूछना पड़ेगा, हाँ उन्हीं लोगों का होता है अंदर जाना अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। और अंदर जो है एल एशिया की सबील चल रही है, तो मुझे नहीं पता कि अंदर जाना अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं पहले पूछ लेता हूँ किसी से, तो उसके बाद में अंदर चलेंगे। तो अंदर जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर की तरफ चलते हैं, कल यहीं रुको अभी हम आ रहे हैं। तो अंदर चलते हैं और अंदर का आपका व्यू दिखाते हैं। और मेरा खुद का पर्सनली मानना है कि अगर कोई भी काम करते हैं इस तरीके का, तो आप इजाज़त ले के भी कर सकते हैं। तो अंदर की तरफ चल रहे हैं और दिखाते हैं अंदर का व्यू आपको। अहले शिया जो अहले शिया लोग जो होते हैं, तो उनका प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, तो बगैर इजाज़त के तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। और एक चीज़ और आपसे कहना है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और चलिए आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा यहाँ पर बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि अंदर जो है अहले शिया का कुछ पढ़ने का रहता है वो चल रहा है, तो केवल आप देख सकते हैं।
हेलो हेलो तो गाइस आपने देखा किस तरीके से शियो लोगों का मातम होता है। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि किसी को भी कोई किसी तरीके का इरिटेट हो ये ठीक नहीं रहता है। आपने हमारे पीछे देखा जो शियो का प्रोग्राम चल रहा है किस तरीके से वो, तो ये चीज़ है आप देख सकते हो। तो चैनल पर नए हैं, एक बार और कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अभी हम आपको जो दिखाते हैं वो जो ताजिए यहाँ दफनाए जाते हैं वो और आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं उधर ताजिए की तरफ जहाँ पर ताजिए दफनाए जाते हैं, तो चलिए आपको लेके चलते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ जो मन्नत के जो वो भरे जाते हैं, उन्हें प्याले कहते हैं, तो वो दिखाते हैं किस तरीके से भरे जाते हैं। तो ये देखिए ये मोहतरमा भर रही हैं इस तरीके से भरे जाते हैं। और ये देखिए सामने रखे हुए हैं जिसमें खीर है, तो इसी तरीके से भरे जाते हैं यहाँ। और ये देखिए ये रखे हुए हैं यहाँ पर, फाता हो रही है। ये देखिए काफ़ी यहाँ क्लाउड है आप देख सकते हैं, और गर्मी भी बेशुमार की हो रखी है, और उसी में ताजिए दफनाए जाते हैं जो आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए एक वो सामने हैं, और काफ़ी सारे हैं यहाँ पर इसी तरीके के जो जहाँ ताजिए दफनाए जाते हैं, तो वही उन्हीं गड्ढों में जो होता है ये भरे जाते हैं, उनको जो है प्याले भरना कहते हैं यहाँ। तो ये देखिए अगरबत्ती लगा रहे हैं, तो ये चीज़ है आप एक बार और देख लीजिए करबला को, बहुत बड़े एरिए में बना है ये करबला। ये पेड़ आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे भी काफ़ी जगह है इस पर, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा करबला से। ये देखिए तो इस तरीके से काफ़ी बहुत बड़े एरिए में बना है ये करबला, और जहाँ भी आपको हम पहले लेकर गए थे वो एरिया वो उसके पीछे का था। ये आप देख सकते हैं ये जो बना हुआ है इसी के अंदर हम लोग गए थे पहले, और एक बार और देख लीजिए ये इसको कहते हैं दिए भरना, जो कि चेलूम पे भरे जाते हैं। और अभी जो आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं ये चेलूम पे ही है पूरा का पूरा। तो गाइस ये था हमारा करबला के चेलूम का ब्लॉग, और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं एक और नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तो अपने दोस्त कोहिनूर अंसारी को दीजिए इजाज़त, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।